जब आपने IIT या NEET का एग्ज़ाम निकालने की सोची होगी, तब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि काश मैं उन 10,000 बच्चों में से एक हो जाऊं जो कि इन एग्ज़ाम को क्लियर कर देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इन 10,000 रैंक्स के अंदर जो बच्चे आते हैं उनकी रियल स्टोरी कैसी होती है? वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किन चीज़ों पर अपने कमियाँ रखते हैं, किन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं और किन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अंडर 10,000 रैंक कैसे करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो केवल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। मेरी 10,000 रैंक नहीं थी, मेरी अंडर 10,000 रैंक नहीं थी। मेरे मेंस में 151 मार्क्स आए हुए थे। मैं कोई ज़्यादा अच्छी रैंक वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के साथ मेरे ताल्लुकात थे उनके अंडर 10,000 रैंक्स आई हैं। उनके जीवन को मैंने करीब से देखा है, उनसे बातचीत की है। तो उन्हीं के आधार पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा जिससे हो सकता है कि आप भी अंडर 10,000 रैंक स्कोर कर सकें। पहला पॉइंट, ये बात अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि तुक्का लगाकर भी अंडर 10,000 रैंक स्कोर की जा सकती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो पे अधिकतर जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले ही होंगे और ऐसे बच्चे होंगे जो कि हार्ड वर्क करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इस आशा में रहते हैं कि काश तुक्के वगैरह इन सब चीज़ों से भी अंडर 10,000 रैंक स्कोर हो जाती है, या कोई गाइड वगैरह जिसमें शॉर्ट मटेरियल होता है उसे पढ़कर भी 10,000 रैंक के अंदर हम आ सकते हैं। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये प्योरली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दो वर्कों के बेस पर होती है। अंडर 10,000 रैंक लाना किसी प्रकार से आसान काम में नहीं आता है। तो ये बात को आप अपने मन से भूल जाइए कि आप तुक्के या फिर गाइड के जरिए 10,000 रैंक के अंदर अपनी रैंक बना सकते हैं। दूसरी बात, पढ़ते तो सभी लोग हैं। जिन बच्चों की रैंक 2,000 10,000 के अंदर आती है वो सारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात है, उन सभी बच्चों के पढ़ने के तरीके में डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस जो कि अगर आप अपना लेंगे तो हो सकता है आप अपना 10 या 20% बेस्ट दे सके। वो बात क्या है, पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि समझिए जब जिस चीज़ के लिए आप जाते हैं तो बेहतर वही होता है कि आप उसी पैटर्न पर वो काम करें जिस काम करने के लिए आप आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको उस लास्ट दिन आखिरकार 3 घंटे का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो बेहतर क्या होगा कि कुछ फ्री में जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उन मॉक टेस्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर बस दिन भर पढ़ते ही रहें। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी दिन सप्ताह में आप कम से कम 3 से 4 दिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे हमारी उस पैटर्न पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने, उस टाइम के अंतर्गत क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ती है और ये क्षमता हमारी आखिरकार एग्ज़ाम के दिन बहुत काम आती है। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनमें से अधिकतर स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं, वो सिंपली स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन टाइम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, किन क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादा समय देना है, ये तरह तरह के जो पॉइंट एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं उन पर वो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप उन बच्चों से ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तीसरा पॉइंट, डीप में जाइए। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उसके डीप में जाइए। डीप में जाने से क्या होता है, जब हमारे टीचर्स कोई भी कोचिंग जहाँ जहाँ पर आप पढ़ते होंगे वहाँ पे जो टीचर्स आपको स्टडी कराते हैं, पहले वो स्टडी कराएंगे और वहाँ पर आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। एक समय आएगा जब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में 80% जो क्वेश्चन होंगे आपको वही मिलेंगे जो कि आपने उन टीचर से पढ़े हुए हैं, है ना। तो उन 80% क्वेश्चंस में कुछ भी नया नहीं होगा, बल्कि वो क्वेश्चन पहले से देखे हुए होंगे आपके, तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओगे। उस स्थिति में आपकी बुद्धि कम लगेगी। कई बार ऐसा होता है 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन हमारे पूरे सिलेबस में 1-2 जगह ही पाया जाता है। जब वो टेस्ट में या एग्ज़ाम में आता है तो हमारी बुद्धि पहले ही उसको भांप लेती है कि ये 4 लाइन वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये उस चैप्टर से है, उसकी इस एक्सरसाइज से है, और डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमारा माइंड एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं कर पाता है।
और होता ये है कि जब उसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप क्वेश्चंस के और टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स के डीप में जाकर उनको पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप डीप में जाकर समझते हैं तो औरों से आप श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। चौथा पॉइंट, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। जितनी मेरी रियलिटी थी उस हिसाब से मैंने रैंक पाई, उसी हिसाब से मैं पढ़ता था। एक दिन मेरे बगल में पिछले 7 दिनों से बैठ रहे एक स्टूडेंट को मैंने देखा। 15 मिनट थे टीचर के क्लास में आने से। मैं अपना पेन नोट सब लेकर के तैयार बैठा था और वेट कर रहा था कि कब टीचर आएंगे, कब वो हमें क्वेश्चंस देंगे, हम सॉल्व करेंगे। अचानक मेरी निगाह गलती से उस बगल वाले स्टूडेंट की कॉपी पे गई और उस कॉपी पर उसके जो सवाल थे वो पृष्ठ तनाव से थे, जो कि 3 टॉपिक आने के बाद मुझे पढ़ाया जाता। जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को देखा तो मेरे आसपास कानों में से धुआं निकल गया और मुझे अपनी असलियत का रियलाइज़ हुआ कि क्यों मैं इन सारे स्टूडेंट से पीछे हूँ। हालांकि मुझे उतनी ज़्यादा रैंक की चाह नहीं थी तो मैंने उस बात को वहीं दफन कर दिया। लेकिन जिन बच्चों को अंडर 10,000 रैंक स्कोर करनी है उन्हें मेरे उस बगल वाले साथी से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा कैसी? कि कोई भी टॉपिक हो उसको एडवांस में पढ़ लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस में नहीं पढ़ेंगे तो आपका 10,000 रैंक में सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन जब आप एडवांस में किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके पास एक बेनिफिट होगा कि जब वो टीचर आपको वही टॉपिक पढ़ाएगा तो आप पहले से ही उस टॉपिक पर क्लियर होंगे कि मुझे पढ़ाया क्या जाने वाला है और उस स्थिति में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमेशा एडवांस में पढ़ करके चलिए। 5वां पॉइंट, क्वेश्चंस अपने माइंड में इमेजिन करिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन बुक में मिलता है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय इमेजिन करिए। अभी नॉर्मल स्थिति में होता क्या है, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगभग जो वैल्यूज आती हैं वो निश्चित वर्ड्स के बाद आ जाती हैं। जैसे कि एक बक्सा चिकनी सतह पर रखा हुआ है जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अच्छा 5 न्यूटन और बल F = 5 न्यूटन डायरेक्टली हमने पहले लिख लिया। उसके बाद फिर आता है म्यू बराबर इतना दिया तो म्यू हमने पहले लिख लिया। कई स्थितियों में हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं हैं और डायरेक्ट पूरी जो वैल्यूज़ दी होती हैं उनको लिख लेते हैं। ऐसे करने से क्या नुकसान है? नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जब यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा और आप इस क्वेश्चन को इमेजिन नहीं करोगे तो वहाँ पर आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर मैथ का कोई ज्योमेट्रिकल सवाल हो या फिजिक्स के सारे सवाल हो, आपको ये करना है कि माइंड में उन ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करो। जैसे कि एक बक्सा कोई बोल रहा है या बॉक्स बोल रहा है तो माइंड में एक बॉक्स की इमेज लाओ। उसके बाद चिकनी सतह या स्मूथ सरफेस बोल रहा है तो उस स्मूथ सरफेस की इमेज भी अपने माइंड में लाओ और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड में एनिमेट करो। इससे आपको टॉपिक की और क्वेश्चन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकोगे। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप अपने मन में इमेजिन करके सॉल्व करो। 6वां पॉइंट, अपने आप को कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। इसके बाद अन्य चीज़ें भी आती हैं लेकिन वहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है और आपके हाथ में होता है। कई बार परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं होती है तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आसपास दोस्त नहीं हैं और ना ही आपकी ऐसी संगति है जो कि आपको बिगाड़ती है, तो ये डिस्ट्रैक्शन से आप अनजाने में ही सही लेकिन बचे हुए हो। लेकिन जब बात आती है मोबाइल की तो मोबाइल आपका दास है। जब चाहे चार्ज पे लगाओ, जब चाहे जेब से निकाल कर उसे चला लो, जब चाहे नेट ऑन करके फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें देख लो। तो इस स्थिति में आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वो है मोबाइल। 2 साल की बात है, बस मोबाइल को अपने आप से दूर कर दीजिए। एक समय आएगा जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, हर तरीके की सुख सुविधाएं आपके पास होंगी, तब केवल मोबाइल होगा जिसके सहारे आप अपनी ज़िंदगी काटेंगे। तो आपके पास काफ़ी टाइम है मोबाइल चलाने के लिए, लेकिन अभी पढ़िए। 7वां पॉइंट, अगर आपको अंडर 10,000 रैंक स्कोर करनी है तो इतनी आसानी से ये नहीं होगा। आपको क्या करना है? अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। देखिए, लंबा सफ़र है, दुश्मनी से काम नहीं चलेगा।
जहाँ पर भी आपको किसी चीज़ के साथ ज़्यादा वक्त बिताना हो तो उस चीज़ से प्यार करना ही बेहतर है। ये इंसानों के साथ भी लागू होती है, ये किसी प्रकार के संस्थानों के साथ भी लागू होती है, पढ़ाई के साथ भी लागू होती है, कोई भी वो काम जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसके साथ भी लागू होती है। जिस चीज़ के साथ लंबा समय बिताना है उसके साथ आपको प्यार करना ही होगा, उसे एंजॉय करना ही होगा, नहीं तो आप लंबा समय नहीं बिता सकते। सवाल ये उठता है कि अब पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज़ से हम प्यार कैसे करें, उसे एंजॉय कैसे करें। एक छोटा सा साइंटिफिक सॉल्यूशन है, जब आप 20 से 25 दिन किसी भी बोरिंग चीज़ को भी अगर आप करते हैं तो उसके साथ फिर आपको मज़ा आने लगता है, फिर वो आपको एक तरीके से गेम की तरह लगने लगता है। जैसे गेम होता है जिसमें आपको स्कोर और लेवल हर बार स्कोर और लेवल बढ़ाया जाता है, और स्कोर और लेवल बढ़ने के साथ साथ वो आपको एनर्जी देता है कि आप उस बोरिंग काम को भी कर सको। नहीं तो खुद सोचो, टेट्रिस एक गेम हुआ करता था जिसमें आड़े टेढ़े डिब्बे आते थे, उनको आपको जमाना होता था। ये कितना बोरिंग काम है अगर वो साथ में दिखा रहे स्कोर को हटा दिया जाए या जो लेवल है उसको हटा दिया जाए। साफ 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 दिखता है कि किसी भी काम के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा समय बिता लो या उसका आपको नंबर के रूप में फीडबैक मिलने लगे तो उस चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो, उस चीज़ से आप प्यार कर सकते हो। इसी तरीके से आप पढ़ाई से भी प्यार कर सकते हो। आठवां पॉइंट, देखिए पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। जितने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे मेंस में और एडवांस में या फिर नीट में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी। किसी भी चीज़ को आसान देखने का या कोई चीज़ हमें आसान प्रतीत हो, इसका एकमात्र तरीका ये है कि उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ को हम एक बार फेस कर लें। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो एक बार किसी भयानक भूत को देख लो, आपको फिर भूतों से डर नहीं लगेगा। आपको अगर कहीं से कूदने में डर लगता है तो एक बार कूद के देख लो, फिर आपका जो डर है वो मिट जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको बड़े बड़े और हार्ड सवालों से डर लगता है तो उससे ज़्यादा हार्ड सवाल को या डिफ़िकल्ट सवाल को एक बार सॉल्व करके देख लो, आपका डर खुद ब खुद कम हो जाएगा। ना सिर्फ डर कम होगा बल्कि आपका जो मेंटल और जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपको ईजी लगने लगेंगे। इसलिए हार्डर क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से करना स्टार्ट कर दीजिए। नवा पॉइंट, स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। देखिए ग्राफिक्स क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को किसी कॉन्सेप्ट को आपको एनिमेशंस के जरिए या फिर कार्टून्स के जरिए समझाया जाता है तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आती हैं। विवेक बिंद्रा की वीडियोस आपने देखी होंगी, या फिर जो वो हाथ से लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, किसी की सफलता की कहानी सुनाते हैं आपको, वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी। वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें कार्टून से एनिमेशन के जरिए चीज़ें समझाई जाती हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। सेम प्रक्रिया अगर आप अपने साथ करेंगे, यानी कि जो आपकी पढ़ाई है उसमें अगर आप किसी YouTube से या किसी भी अन्य तरीके की वेबसाइट से या जो ऐप आते हैं उनसे ग्राफिक के ज़रिए पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा गहराई में बैठेंगे और अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो आप ग्राफिक्स के हेल्प से अगर पढ़ेंगे, अंडर 10,000 रैंक आपकी सुनिश्चित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दसवां पॉइंट, कुछ भी हो जाए आपका डिटर्मिनेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके पढ़ाई में, आपके किसी भी प्रकार की रैंक स्कोर करने में। तो डिटर्मिनेशन मत खोइए, कहीं कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा, लेकिन अगर आप उस मोमेंट को पार कर जाएंगे तो वो ही चीज़ मैन होगी जो कि आपको अच्छी रैंक ला करके दिलाएगी। अल्टीमेटली ट्रिक्स और टिप्स कितनी भी बता दी जाएँ, लेकिन अगर कोई इंसान डिटर्मिनेंट नहीं है तो उसकी रैंक लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप डिटर्मिनेंट हैं, आपकी अच्छी रैंक आनी ही आनी है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हेयर कट मैंने आज ही कटवाया था तो आप इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकली आप कोई टिप देना चाहते हैं हमारे और कमेंट रीडर्स को, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बहुत फ्री बैठा है, जहाँ पर वहाँ पर जाइए और अपने मनपसंद कमेंट को वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू।